सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y75 फोन के इनकमिंग कूल लाइट के बारे में, जो कि हाँ दोस्तों यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट सेटिंग को कैसे आप इनेबल कर सकते हो अपने वीवो के Y75 फोन के सेटिंग से। हाँ दोस्तों, अगर आपके स्क्रीन पर लाइट यूज करना है तो आप यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट सेटिंग को कैसे इनेबल करोगे एंड अपने फोन पर स्क्रीन लाइट को कैसे इनेबल कर सकते हो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आपके इनकमिंग कूल लाइट एंड नोटिफिकेशन लाइट को आप इनेबल करके यूज कर सकते हो अपने वीवो के Y75 फोन के सेटिंग से। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं, इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं वीवो के Y75 फोन के इनकमिंग कूल लाइट सेटिंग के बारे में। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं वीवो के Y75 फोन के सेटिंग से आप डायनामिक इफेक्ट सेटिंग को कैसे इनेबल कर पाओगे एंड इसके साथ आप इनकमिंग कॉल लाइट एंड नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हो। कैसे इनेबल करना है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलते अपने फोन के सेटिंग में और आप लोग को चल के बता देता हूं कैसे आपको इनेबल करना है। तो जैसे आप अपने फोन के सेटिंग में आओगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहां पे डायनामिक इफेक्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आपके सेटिंग के अंदर। तो जैसे आप डायनामिक इफेक्ट वाले ऑप्शन को देखोगे उसके बाद आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको यहां पे मिल जाएगा डायनामिक इफेक्ट, तो यहां पे आपको क्लिक करोगे तो यहां पे आपको नैनो म्यूजिक वगैरह देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और यहां पे आप देख सकते हैं डायनामिक इफेक्ट का ऑप्शन, यहां पर बहुत सारे बैकग्राउंड के ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको कुछ नहीं करना, आपको बैग आ जाना है। उसके बाद आपको मिल जाता है यहां पर, यहां पर आप देख सकते हैं लाइट इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहां पे जैसे ही क्लिक करते हो उसके बाद आपको नीचे मिल जाएगा यहां पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड यहां पे आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, उसके नीचे मिल जाएगा आपको कस्टम टाइम, उसके बाद नीचे आप देख सकते हो इसके नीचे आपको मिल जाएगा इनकमिंग कॉल लाइट इफेक्ट। इनकमिंग कॉल लाइट इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, यहां पे आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, उसके बाद आप इसको इनेबल कर सकते हो। अब इसको इनेबल करने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको कैसे सेट करना है अपने स्क्रीन के चारों तरफ का लाइट, यहां पर आपको कैसे सेट करना है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला लाइट हमें यहां पर मैंने अपने फोन पे हमेशा सेट करके रखता हूं, आपको भी अच्छा लगता हो ये आप रख सकते हो। अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहां पे आप कलर अलग अलग यूज कर सकते हो और यहां पे आपको मिल जाते हैं और यहां से आप इसके कलर को मैनेज कर सकते हो इस तरीके से, जो भी आपको कलर पसंद आता है। और यहाँ पे आपको ये वाला कलर अच्छा लगता है तो इसको क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको इस तरीके से आपको मैनेज कर लेना है। तो लेकिन यहाँ पे जो मेरे को अच्छा लगता है यही जो आप मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन पे यूज करता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया है और इसको मैं अपने फ़ोन में अप्लाई करके यूज करते रहता हूँ। तो अगर आपको कोई और यूज करना तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना, अगर आपको यही यूज करना तो यहाँ से आप इसको अप्लाई करके अपने फ़ोन में यूज कर सकते हो इनकमिंग कॉल लाइट को। तो फाइनली इस तरीके से आपको मैनेज कर लेना, उसके बाद आपको इसका साइज़ को जो भी अपने हिसाब से मैनेज करना है मैनेज कर सकते हो। आपको पतला रखना पतला या मोटा रखना मोटा, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से इसको मेंटेन करके मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम वगैरह है तो आप टाइम रख सकते हो इसका। उसके बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट वगैरह जो भी आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया इसके अंदर देखने को मिल जाता है तो आप इसके अप्लाई करके यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे मिल जाएगा, नीचे आओगे स्क्रॉल डाउन करके तो नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन को इस तरीके से आपका ऑफ होगा तो इसको आपको इनेबल कर लेना, यहाँ से ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा नोटिफिकेशन ऐप्स, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ऐप का परमिशन देना पड़ता है तो यहां पे आपको क्लिक करना और यहां पे जो भी एप्लीकेशन आपको इंपॉर्टेंट है उस एप्लीकेशन पे परमिशन दे सकते हो। अब जैसे मैं यहां पे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, कैमरा हो गया एंड और भी एप्लीकेशन हो गया, फेसबुक हो गया एंड यहां पे ट्विटर वगैरह जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो उस पर आप इस तरीके से परमिशन देकर उसके बाद आपको बैग आ जाना है, जो कि मैंने यहाँ पे 10 एप्लीकेशन पे परमिशन दे रखा है। उसके बाद हमें मिल जाएगा लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, उसके बाद आप इस तरीके से लाइट लगा सकते हो नोटिफिकेशन का। और जैसे मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे नोटिफिकेशन का भी लाइट इस तरीके से मैनेज करके अप्लाई वगैरह कर सकते हो। इसमें भी आप कलर वगैरह को मेंटेन कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है कलर। अब जैसे मैं यहाँ पे येल्लो कर देता हूँ और इसके साथ रेड कर देता हूँ, अगर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ
और इसके साथ येलो कर देता हूं तो भी मेरा बहुत ही बढ़िया, इसके साथ अगर रेड कर देता हूं एंड कन्फर्म पे क्लिक करूंगा उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हो एंड इसके साइज वगैरह एंड इसके टाइमिंग वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है, इसके साइज मोटा या पतला जो भी आपको अच्छा लगता है इसको मेंटेन करके अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो ये भी आपको नोटिफिकेशन लाइट को भी इस तरीके से आपको अप्लाई करके अपने फोन में यूज कर लेना है। फाइनली इस तरीके से आप सभी लाइट को इनेबल करने के बाद आपको बैग आ जाना है एंड आपके फोन पर जब इनकमिंग कॉल लाइट आएगा, सॉरी दोस्तों इनकमिंग कॉल कोई आएगा तो आपका स्क्रीन लाइट वर्क करेगा। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन आएगा तो वो लाइट यहां पे वर्क करेगा। फाइनली फिलहाल इसके अंदर और भी ऑप्शन वगैरह यहां पे आपको मिल जाता है जो कि आपको अनलॉक एंड स्क्रीन का एनिमेशन देखने को मिल जाता है, इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। और इसके अंदर फिंगरप्रिंट एनिमेशन वगैरह बहुत सारे एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, लेकिन यहां पे मैंने आपको इनकमिंग कॉल लाइट एंड नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट के बारे में आप लोग को बता दिया है। तो आई होप आप लोग को यहां पे समझ में आ गया होगा कैसे आपको करना है। यहां पे यूएसबी कनेक्ट एनिमेशन और यहां पे आपको मिल जाता है फेस एनिमेशन जो कि आप फेस लॉक लगाते हो उसका भी एनिमेशन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर और भी एनिमेशन वगैरह मिल जाते हैं जो कि स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन भी आपको मिल जाते हैं, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। फाइनली मैंने आप लोग को पूरे फुल डिटेल में बता दिया है इनकमिंग कॉल लाइट एंड नोटिफिकेशन लाइट के बारे में जो कि आप अपने फोन में अप्लाई करके एंड इनेबल करके यूज कर सकते हो डायनामिक इफेक्ट सेटिंग के अंदर से। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के एंड प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाबा दोस्तों।